कभी आपने बच्चों को नोटिस किया है कि बच्चे आम तौर पर ज्यादा खुश क्यों रहते हैं, एक आम एडल्ट से कहीं ज्यादा वो खुश दिखते हैं और खुश हैं भी। आप रीजन जानते हैं? बहुत से रीजन हैं, उनमें से एक रीजन वो है जो मैं भी आपके सामने कर रहा हूं। आप देखेंगे कि मैं नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्माइल कर रहा हूं, और यही रीजन है बच्चों के साथ कि वो ज्यादा खुश फील कर। खुशी क्रिएट होती है इसलिए हम स्माइल करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम स्माइल करते हैं उससे भी खुशी क्रिएट होती है, और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन थ्योरी है। बच्चे एक आम एडल्ट के मुकाबले ज्यादा स्माइल करते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, कहकहाए लगाते हैं और खुल के हंसते हैं, और इसी रीजन से वो खुशी फील भी कर पाते हैं। अगर मैं आपको साइंस की भाषा में समझाऊं तो इसको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और इसकी जो थ्योरी का बेस है वो चार्ल्स डार्विन ने 1872 में रख दिया था। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहता है कि हमारे चेहरे के मसल्स जिस तरह मूव करते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं कि हमें कैसी फीलिंग होती। मतलब अगर मेरे चेहरे के मसल्स इस तरह मूव कर रहे हैं कि मैं हंसता हुआ दिखाई दे रहा हूं आपको या स्माइल करता हुआ दिखाई दे रहा हूं आपको, तो वो जो मूवमेंट है वो मेरा ब्रेन भी कैच करता है, और अगर कोई रीजन ना भी हो खुश होने का तो मेरा ब्रेन खुश हो जाता है, कह कहे लगाने लगता है और जो भी मेलेंकली है उसको दूर करते हैं। मगर अगर यही चेहरे पे मैं ऐसे एक्सप्रेशन लाऊं जो गुस्सा है या लगता है कि मैं तनाव में हूं, तो ये तनाव चाहे कोई रीजन हो या ना हो या मुझे कोई तनाव ना भी हो, अगर मेरे चेहरे के मसल्स इस तरह से मूव कर रहे हैं कि यहां बल पड़ गए हैं, ये चीज खिंच गई है या आंखें बड़ी हो गई हैं, तो आपको लगेगा कि ये तनाव में है। मैं तनाव में हूं नहीं, मगर एक्सप्रेशन में तनाव के दे रहा हूं या मैं गुस्से के दे रहा हूं। अब मुझे आप पे गुस्सा थोड़ी ना आ रहा है, मगर मेरा ब्रेन इस बात को सेंस करेगा कि शायद कुछ गलत है, और मेरे मूवमेंट की वजह से, मसल्स मूवमेंट की वजह से ब्रेन तनाव में आ जाएगा, ब्रेन गुस्से में आ जाएगा और गुस्सा क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं वो हमारे इमोशंस को बयान तो करते ही हैं, बल्कि हमारे चेहरे पे जो भाव आते हैं वो हमारे इमोशंस को क्रिएट भी करते हैं। व्हाट वी एक्सप्रेस ऑन आवर फेस इज द आउटकम ऑफ व्हाट वी फील, यस समटाइम्स, बट समटाइम्स व्हाट वी शो ऑन आवर फेस क्रिएट्स एन इमोशन ऑल्सो। सपोज इफ आई कीप अ बिग स्माइल ऑन माई फेस, अगर मैं अपने चेहरे पे एक बड़ी स्माइल रखूं जो नकली भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, कोई रीजन नहीं है मेरे स्माइल करने का, मगर मैं स्माइल कर रहा हूं, तो उस वजह से मेरा ब्रेन उस ट्रैप में आ जाएगा और फूल हो जाएगा, और वो सोचेगा कि सब चंगा सी, सब बढ़िया है, और वो खुश फील करेगा, खुशी का माहौल बनेगा, और ये ना ही मुझे खुश करेगा, ये मेरे आसपास के लोगों को भी खुश करेगा। आप देखेंगे बच्चों को देख के लोग खुश क्यों होते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम स्माइल करते हैं। आप भी स्माइल कीजिए, कोई रीजन हो या ना हो, आपके स्माइल करने से चेहरे के मसल्स मूव होंगे, ब्रेन को लगेगा सब अच्छा है, खुशी की बात है, ब्रेन खुश हो जाएगा, और कंसिस्टेंटली स्माइल करते 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 ब्रेन को खुश रहने की आदत पड़ जाएगी, चाहे हालात कुछ भी हो ब्रेन नॉर्मली खुश रहे। और इसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां एक कार्टून शो दिखाया गया लोगों को, एक ग्रुप को उनके मुंह में एक पेंसिल रखी गई और उन्हें खुश रहने के लिए, मतलब स्माइल करने के लिए बोला गया, क्योंकि अगर पेंसिल है तो आप ना चाहते हुए भी आपका मुंह खुला रहेगा, स्माइल के एक एक्सप्रेशन क्रिएट होगा। उन लोगों ने कार्टून मूवी को देख के बोला कि उन्हें ये कार्टून मूवी सही में ह्यूमरस लगी, बहुत अच्छी लगी। मगर जो दूसरा ग्रुप था जिनके मुंह में कोई पेंसिल नहीं थी, वो नॉर्मली बैठ के उसको देख रहे थे, उन्होंने बोला कि इट वॉज एवरेज, बहुत ज्यादा खुश होने वाली ऐसी कोई बात थी। अब आप देख सकते हैं वो डिफरेंस क्यों आया। यही बात रोजनथाल ने एक्सपेरिमेंट प्रूव करके प्रूव किया 2014 में। रोजनथाल एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम दवाई की मदद से उन मसल्स को पैरालाइज कर दें, बोटॉक्स का यूज किया था उन्होंने, उन मसल्स को पैरालाइज कर दें जिससे गुस्से के एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं गुस्सा करता हूं तो मेरे जो ये है, ये जो वर्टिकल मसल, ये जो फोरहेड का मसल्स है, ये लाइन पड़ जाती है, उन्होंने इसको पैरालाइज कर दिया, पैरालाइज कर देने से मैं अब चाहूं भी तो गुस्से के एक्सप्रेशन दे नहीं सकता, या मैं अंदर फील भी कराऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, मसल्स पे गुस्सा आएगा नहीं, एक्सप्रेशन होगा नहीं, धीरे धीरे ब्रेन ये भूल जाएगा कि गुस्सा क्या है, तनाव क्या है, और इस तरह के लोग डिप्रेशन तक से बाहर आ गए हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, 2014 की स्टडी है रोजनथाल की। खैर एनीवेज, अदर देन साइकोलॉजी इन जनरल ऑल्सो हमने देखा है लाफ्टर थेरेपी काम करती है, तो आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू स्माइल इवन वेन देर इज नो रीजन, स्माइल बिकॉज इट क्रिएट्स पॉजिटिविटी अराउंड यू, इट क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरमेंट अराउंड यू। लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, थोड़ा हंस भी लेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा,
भगवान आपको पनिश भी नहीं करेगा कि हंसा तो फंसा, ऐसा कोई थ्योरी तो है नहीं। तो कीप स्माइलिंग, कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड मेक पीपल अराउंड यू हैप्पी। लाइफ इज गुड, द ओनली थिंग दैट हैज टू चेंज इज आवर परसेप्शन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।